हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनएम कीर्ति ब्लॉग्स पर। सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज घर में होने वाला है पार्टी और अभी तक हम लोग उपवास में हैं। हम तो नहा लिए हैं, जस्ट अभी ही नहाए हैं और ये तो नहाए भी नहीं हैं। अभी तक नहाए भी नहीं, मुँह भी नहीं धोए क्योंकि उपवास में हैं अभी तक, क्योंकि ससुराल से जब तक सासू माँ ससुर जी लोग नहीं आएंगे तब तक हम खा नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि घर में आज बेबी शोवर का पार्टी होने वाला है तो घर में आज बहुत सारा काम चल रहा है, तो थोड़ा थके भी है, सुबह से खट रहे हैं, काम कर रहे हैं। और घर में डेकोरेशन का काम चल रहा है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो इधर देख सकते हैं सामान वगैरह बिखरा हुआ है और इधर डेकोरेशन का काम चल रहा है। इधर तो इधर 3 कर्टन लग चुका है, ये देखिए। और यहाँ हम लोग का बोर्ड पड़ गया बीच में, कोई बात नहीं। और बाहर तरफ में खाना वगैरह बन रहा है, पंडाल वगैरह बाहर में बनल है। और ये सबको अभी फुलाना बाकी है, ये सबको फुलाया जाएगा, ये सबको। अब बैलून वगैरह भी है, एक्स्ट्रा लिए हैं। इसके साथ 30 पीस मिला था, 15-15 करके, गुलाब 15 और ब्लू 15। ये देखिए बी बन गया, तो दोस्तों हम लोग रेडी हो रहे हैं, मेहमान लोग आने लग गया है और इनको देखिए रेडी हो रही है अभी। और आप रेडी हो चुके हैं ना? ये मेहंदी थोड़ा दिखाओ अपना। तो ये देखिए मेहंदी इस तरह से लगाई है, सिंपल ही लगाए हैं। लेफ्ट में है डैड और राइट में है मॉम, और वो साइड है बॉय एंड गर्ल। लेफ्ट में है बॉय और राइट में है गर्ल। तो चलिए पूरा रेडी हो जाते हैं, तो बस अभी ससुर जी लोग आएंगे और हम लोग पार्टी स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का। अभी ससुर जी लोग रास्ता में हैं, वो लोग पहुँच जाएंगे उसके बाद, क्योंकि लॉन्ग टूर है ना, क्योंकि लॉन्ग टूर है, 3-4 घंटा का रास्ता है, तो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और देखिए भूखे प्यासी है और हम भी साथ में, दोनों को आज उपवास करना पड़ा है। तो हम ये खलिता पहन रहे थे, तो धोती के साथ सूट नहीं किया इसलिए खोल दिए और सठी पहन लिए। तो फाइनली हम लोग का डेकोरेशन रेडी हो गया है, तो ये देख सकते हैं इस तरह से सजा दिए हैं समीर और पूजा मिल के। तो सारे मेहमान आ चुके हैं, मम्मी पापा लोग भी आ गए हैं और इधर मैं बैठे हुए हैं पंडाल में। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पानी उनी दे रहे हैं सबको, और बाकी सब मेहमान भी बैठे हुए हैं। तो सब चाची लोग मम्मी पापा का पैर उर धोना हो रहा है और हम लोग बैठ चुके हैं। और मम्मी जो जो बना के लाई थी वो सब हम लोग को दे रही है निकाल निकाल के थाली में, थाली भी घर से लाई थी और दोनों में बांट दे रही है। तो मम्मी अब हम दोनों को खिलाएगी, क्योंकि हम लोग का रस्म होता है कि पहले मम्मी के हाथ से ही खाना होता है। तो मम्मी जो जो बना के लाई है वो पहले हमको खिलाएगी और उसके बाद मेरे हस्बैंड को खिलाएगी। तो पहले हमको खिला रही है मम्मी। अब हमको खिलाने के बाद अभी मेरे हस्बैंड को खिला रही है। तो ये पहले हम लोग मम्मी का हाथ से दोनों खा लेंगे, उसके बाद अपने से जो भी खाना होगा खाएंगे। तो मम्मी 8-9 आइटम बना के ले आई थी घर से, खीर वगैरह, पुआ, रोटी वगैरह। तो मम्मी के खिलाने के बाद अब हम लोग अपने से खा रहे हैं और पापा बगल में ही बैठे हुए हैं। एक्सीडेंट के बाद पापा को वॉल्कर के सहायता से चलना पड़ रहा है। मम्मी का खाने के बाद जो भी मेहमान आए हुए थे और जो भी कुछ भी लाए थे तो वो सब हम लोग को दे रहे हैं, फल वगैरह जो भी बना के लाए थे तो सबको हम लोग को खिला रहे हैं। तो हम लोग को जितना खाना था खा लिए थे, और जो भी बाकी सब मेहमान जो ला रहे थे फ्रूट वगैरह वो सब रखते जा रहे थे, जो कोई भी अपना जो भी लेके आए थे सब रखते जा रहे थे। और काफ़ी देर तक हम लोग को बैठे रहना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान थे और सब कोई देते ही जा रहे थे।
तो हम लोग उठने के बाद ये देखिए पूरे रूम में सिर्फ खाने का सामान है और ये सब बस्ती में बांटा जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ नियम है कि जो भी आता है बांटा जाता है। तो सब कुछ बांट उठ के अब हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। मम्मी के साथ हम बैठे हुए हैं और पापा लोग भी बैठे हुए हैं, सबको चाची बड़ी माँ लोग। तो हम लोग खाना खाने लग गए क्योंकि उसके बाद तो मम्मी पापा लोग चले जाएंगे, पापा भी खाने लग गए हैं। उसके बाद मम्मी पापा के साथ फ़ोटो शूट करवा रहे थे क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला नहीं और पापा से भी अच्छा से बात भी नहीं हो पाया, तो अब हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो फ़ोटो सब शूट करने के बाद अब मम्मी पापा लोग जा रहे हैं, तो एक गाड़ी में मम्मी पापा लोग हैं और दूसरा में चाची लोग। तो अब काफ़ी रात हो चुका था तो इसलिए जल्दी जल्दी पापा लोग निकल रहे थे, बाय कर रहे थे। तो दोस्तों सारा मेहमान चले गए, ससुर जी लोग आए थे, सब चले गए और काफ़ी रात हो गया, 10 बज गया और अभी यहाँ से वो लोग निकल गए ससुर जी लोग। इतना बिजी थे कि क्या बोले, लास्ट वाला सीन ले भी नहीं पाए। तो चलिए जल्दी जल्दी सबको समेट देते हैं और हम लोग भी रेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पूरा दिन भर उपास में थे। 3 बजे 3:30 4:00 5 बजे हम लोग खाए हैं, तो सोचिए इतना देर तक हम लोग उपवास में थे। और मेरा तो बैठ बैठ के आज पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो गया है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए इसी तरह और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।